कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बात करेंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. जो इस प्रोक्योरमेंट का सोर्स है वो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो अजय जी, अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं अकोला से, जनरल मैनेजर, और बहुत सारे सालों का अनुभव लेके वो आए हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में. बहुत सारी चीजों पे उनकी नजर रहती है. पर अजय जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज आइए लाइन पे. बहुत सारे हमारे किसान और एफपीओ आपसे कुछ सुनना चाहते हैं. सभी को मेरा नमस्कार. नमस्कार अजय कुमार जी, और बहुत बहुत आभार आपका, आपने शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम जुड़ने के लिए अपनी रजामंदी दी. धन्यवाद कॉटन गुरु का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. और अगर हमारे कुछ व्याख्यान से या हमारे वक्तव्य से अगर हमारे किसान भाइयों तक कुछ भी लाभ पहुंचता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा. जी जी, लाभ बहुत पहुंचने वाला है क्योंकि आप पे बहुत कुछ दारोमदार है. अजय कुमार जी, प्लीज, अभी आपने सुना डॉक्टर एस के शुक्ला जी ने बताया कि क्या क्या चीजें है जो किसानों को हमी भाव मिलने से रोक सकती है, या जिनको अवॉइड कर लिया तो हमी भाव मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं. गोविंद जी वैराले ने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीसीआई को अभी भी थोड़ा सेकंड थॉट देना चाहिए. तो ये सुनने के बाद अभी किसान भाइयों के लिए आपके पास क्या राय है कि क्या उनको इमिडिएटली करना चाहिए और हमी भाव कैसे उनको एमएसपी तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि शुक्ला जी ने बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है जो कि किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, उनका लिए योग्य जानकारी है, ताकि वो कपास को अपने घर से, क्योंकि वो जिस कपास जो है एक किसान के लिए उनका मेन प्रोड्यूस है और उसी पे उनका पूरा दारोमदार रहता है, पूरा घर बार चलता है, तो कपास को बहुत अच्छे से उनको सींचते हैं और उसको उत्पादन करते हैं. बाद में उस कपास को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा केयरफुलनेस अगर उन्होंने ध्यान दिया तो उनके कपास का प्राइस ज्यादा से मिल सके. और सब अच्छी बात जो बताई, शायद किसान भाइयों को जानकारी में है नहीं है, मेरे को नहीं पता, कि पहले का किसान भाई अभी भी कहीं कहीं पे ये ट्रेडिशनल मेथड में कुछ लोगों को ये चीज अभी भी पता नहीं है. उनको लगता है कि अगर हमने कपास में पानी डाला तो पानी भी कपास के भाव में हमको बिक जाएगा. बट देखिए, भारत सरकार जो है अगर कोई सब्सिडी देती है, किसी भी तरह का कोई आपको हमी भाव एमएसपी देती है, तो भारत सरकार का ये प्लानिंग भी प्रॉपरली डिजाइन किया होता है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर आपने पानी डाला तो आपका ही नुकसान है. क्यों? कि हमने 5,825 रुपए का भाव हाईएस्ट रखा एमएसपी के लिए, बट अगर आपने पानी डाला तो उसमें डिडक्शन जो है पर जैसे ही 8% हम अगर 8 मॉइस्चर कपास में, तो फिर 5,825 रुपया मिलेगा 29.5 mm के लिए. लेकिन जैसे ही आपने उसमें पानी की मात्रा, अभी जैसे कपास की अभी अभी का जो अराइवल है, अभी भी थोड़ी बहुत अराइवल महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है जैसा कि हम लोगों को जानकारी में है. ठीक है, एपीएमसी में अभी अराइवल शुरू नहीं हुआ है, इसलिए नहीं शुरू हुआ है क्योंकि हमी भाव के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है 12% से ऊपर का मॉइस्चर हम नहीं ले सकते. तो अगर मॉइस्चर अभी ज्यादा है तो उससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसको सुखाने की जरूरत है. उसको अच्छे से सुखाना है और तब जब वो 12% से नीचे का मॉइस्चर आ जाए या 12% का मॉइस्चर आ जाए तब उसको नियरेस्ट खरीदी केंद्र पर लाना है. उसमें अभी शायद थोड़ा समय लगेगा, 10-15 दिन का और टाइम लगेगा,
अभी चूंकि बीच बीच में बारिश भी हो रही है, इसलिए वो परसेंटेज 25% से लेके 40% तक मॉइस्चर आ रहा है अभी महाराष्ट्र के अंदर। तो एक तो 12% का मॉइस्चर हमारा रिक्वायरमेंट है, तो अगर उन्होंने कोशिश किया कि और इसमें पानी मिलाएं या इसको बिना सुखाए ले जाएं तो हमको ज्यादा भाव मिलेगा। भाव मिलने का तो दूरी उनका कपास रिजेक्शन की तरफ जाएगा। अगर 12% से ऊपर है तो हमारा गाइडलाइन ही हमको अलाउ नहीं करता है कि 12% से ऊपर का मॉइस्चर का माल ले सके। तो हमको भी बहुत दुख होता है अगर कोई किसान भाई पूरे गाड़ी वगैरह में भर के पूरा उसका किराया लगा के पूरा लाइन लगा के और फिर कपास देने के लिए आता है और उसका कपास रिजेक्ट होता है। वो हमारे लिए बहुत दर्द की बात होती है। इसको बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता है ना, आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ केयरफुल होके उसको सुखा दीजिए बस। जहां पे पानी का कोई सोर्स नहीं हो, जहां पे कोई पानी आता नहीं हो, थोड़ा सा उसको धूप अगर मिल जाए या नॉर्मल अगर आपने कहीं रूम में भी रख दिया, रूम में भी बिछा के रख दिया तो भी वो सूखता है। कॉटन है उसको सूखने के लिए कोई बहुत ज्यादा गर्मी की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप वो कम हो जाता है। अगर आपका एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो अपने आप गेन करेगा, और जरा सा भी थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट आएगी तो मॉइस्चर को छोड़ेगा। वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का है, कपास जो है हाइड्रोस्कोपिक नेचर है, वो पानी लेता भी है और पानी छोड़ता भी है, तो वो अपने आप प्रोसेस होता है। बस उसको ढेर नहीं लगा के उसको थोड़ा फैला के रखना है, थोड़े दिन तक रखना है ताकि वो सूख जाए। तो एक तो ये है, और दूसरा उसको चुनने के लिए जो जब आप चुगाई करते हैं थोड़ा सा केयरफुल होने का वहां पे भी जरूरत है, ताकि उसमें बेनिफिट क्या होता है कि FAQ कपास के अंदर जैसा शुक्ला जी ने पूरा स्लाइड्स के थ्रू बताया है कि उसमें ज्यादा ट्रेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा एलओएस नहीं होना चाहिए, ज्यादा और ऐसी हो जाएगा तो फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फिर आपका बिलो FAQ लेवल पे चला जाएगा। और बिलो FAQ लेवल और FAQ लेवल में जो उसका जानकार है, कॉटन के जानकार जैसे वैराले साहब हैं, उनको ये जानकारी है, उनको पता है, हमारे किसानों को शायद जिनको अनुभव होगा उनको पता होगा, लेकिन सबको ये पता नहीं होता। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जब उसको चुगाई करें तो थोड़ा सा केयरफुल होके करें ताकि उसमें पत्ती उत्ती की मात्रा ना हो, और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट ला के सीधा क्या करते हैं कभी कभी किसान भाई पूरा ढेर लगा के रख देते हैं तो नीचे से वो हीटेड होता है और उसमें एलोइस होना शुरू हो जाता है थोड़े दिन के बाद। अगर आपने कहीं 2 महीने रख लिया, 2 महीने अगर आपने घर में रख दिया तो धीरे धीरे नीचे का कपास जो है वो एलोइस हो जाएगा, फिर उसमें ग्रेड ऑफ होता है। तो विजुअल में आपका क्यों मारेगा, जबकि माल आपका बहुत अच्छा था, FAQ ग्रेड का था, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा था शुरू में, अगर आपने फैला दिया होता तो सूख जाता, लेकिन आपने चूंकि ढेर बना के रख दिया तो नीचे का ये कपास गीला होने के कारण हीटेड हो गया और साथ में सीड भी हीटेड हो गया। तीसरी चीज जो हमारा लास्ट ईयर हमारे को संज्ञान में जो आया, क्योंकि मोस्टली हम लोग का जो खरीदी होता है मार्च के बाद हम मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 95% केसेस, 95-98% केसेस तक ऐसा होता है कि मार्च में नॉर्मली डिमांड बढ़ती है और हमारा जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो पूरा खत्म हो चुका होता है, तो कपास जो है उसका प्राइस अपवर्ड मूव होता है। डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है वो कपास पे भी लागू होता है। उस समय तो जो बड़े किसान है, छोटे काश्तकार तो क्या करते हैं, वो पहले शुरू में ही अपना माल बेच देते हैं, लेकिन क्योंकि उनको जरूरत होती है, पूरे घर की जरूरत महसूस उनको पड़ती है, तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 4-6 महीने नहीं रख सकते कपास को। लेकिन जो बड़े काश्तकार हैं वो हमेशा इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं, हमेशा फायदा उठाते हैं कि जब प्राइस अभी तो ठीक है 5825 रुपए है, लेकिन उनको ये रहता है कि हमारा जो कपास का प्राइस है 6,500 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा,
अभी कोरोना काल में तो जो स्थिति हुई वो तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मल सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल सिनारियो में हमी भाव के ऊपर जाना ही है, ऐसा करीब करीब मान के चलते हैं। तो बड़े काश्तकार क्या करते हैं, उनके पास क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, वो ढेर के ढेर बना के रखते हैं, मॉइस्चर भी नहीं होता उस समय, मान के चलते हैं कि वो 12% मॉइस्चर के अंदर है, लेकिन वो तुरंत नहीं बेचना चाहते, उसको होल्ड करते हैं। ऐसे केस में भी हमने देखा है कि कपास की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट पिकिंग है, लेकिन जैसे ही उनको अगर उन्होंने रख दिया 6 महीने 4 महीने 5 महीने तो सीड जो है पड़ जाता है, सीड में जो खल निकलना चाहिए वो खल के काम ही रहता है, तेल का काम तो बिल्कुल ही नहीं रहता, क्योंकि तेल पूरा का पूरा उससे निकल चुका होता है, वो हीटेड हो जाता है। तो रख सकते हैं कपास, लेकिन अगर आपके पास जगह हो, आपके पास सुविधा हो, तो आपको ऐसे रखना है कि कपास ढेर के ढेर थोक करके नहीं रखें, ताकि जो अंदर का सीड है वो हीटेड नहीं हो। वो भी एक ये कारण होता है, इसको बिलो एफएक्यू, कपास तो आपका एफएक्यू माल है, सुपर माल है, लेकिन आपका सीड अगर हीटेड हो गया तो हमारा तो 50% कॉस्ट जो है, 40% कॉस्ट है वो सीड से निकलता है, तो वो भी एक अलग तरह का है। कम से कम ऐसे रिजेक्शन में सम टाइम मतलब ऐसा भी मतलब फेस करना पड़ता है, बट ये बड़े काश्तकार के लिए, छोटे काश्तकार मोस्टली 2 महीने 3 महीने के अंदर अपना पूरा कपास बेच देते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के अति व्यापक अनुभव रहा, सीसीआई ने कभी भी हिस्ट्री में मार्च के बाद इतना बड़ा काम नहीं किया था जो कि हमने किया, और किसान भाइयों को हमें खुशी है कि महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली, क्योंकि तेलंगाना में तो कपास मोस्टली जहाँ पे कि सबसे ज्यादा हमेशा एमएसपी आता है, क्योंकि पूरे मतलब कपास जो है वहाँ सीसीआई के पास ही आता है, बाहर तो मुश्किल से 10% 15% जाता है, बाकी तो सीसीआई के पास आता है, एवरी ईयर का ये सिनारियो है, बट महाराष्ट्र में ऐसा सिनारियो नहीं रहता था। बट पिछले साल चूंकि कोरोना काल था, पूरा प्राइस नीचे चला गया, फ्लैट हो गया, कोई भी प्राइवेट जो बायर थे उनको बिल्कुल ही उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, उनको लॉस हो रहा था, तो कोई भी आगे नहीं आ रहे थे, फिर भी हमने किसानों के लिए अपने देश के जो पूरा सीसीआई, पूरा मैनेजमेंट, भारत सरकार पूरा तरह से आगे आए, और एक एक जो बॉन्ड जो बोलते हैं, एक एक बॉन्ड कपास का खरीदी किया, और हमने रिकॉर्ड खरीदी किया। बैराले साहब जानते हैं कि महाराष्ट्र फेडरेशन तो मोनोपोली का टाइम डील कर चुका है, वो पूरे के पूरे कपास खरीदने की क्षमता रखते हैं, हमारी क्षमता कभी भी इतनी नहीं रही जितना कि कपास हमने खरीदा है। तो किसान भाइयों को हम हमेशा बेनिफिट के लिए पहुंचाने के लिए हम हैं, और किसान भाइयों को जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, सुविधा मिल सके, वैसी कोशिश करते हैं। हम मनीष डागा जी का भी बहुत आभार करना चाहेंगे कि ये एफपीओ के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक करेंगे। इस साल उन्होंने स्पेशल एक प्रोजेक्ट लिया है किसान भाइयों को जागरूक करके, फिर हमारे केंद्र तक लाएंगे ताकि उनको अच्छा से अच्छा भाव मिल सके, तो तरह इस प्रक्रिया में परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसका हमने ऑलरेडी हमने भी और हमारे साथी अर्जुन दवे ने भी औरंगाबाद ब्रांच के लिए, इंटायर महाराष्ट्र के लिए ये कर दिया है। तो होपफुली इसका किसान भाई लोग फायदा उठाएंगे। ठीक, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो हमारे यहाँ 2 सेंटर और उनके यहाँ शायद 1 या 2 सेंटर पे शुरू हो रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है एफपीओ का काम और भी बड़ा व्यापक हो, और भी इसका बेनिफिट किसानों को मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सभी को मेरा धन्यवाद मनीष दागा जी को। थैंक यू अजय कुमार जी, आपके आश्वासित शब्दों के लिए, और किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है,
और कोई मजबूत संस्था खड़ी है सीसीआई जैसी कि कुछ भी हो तो आज हमी भाव के आसपास के भाव में तो हम कहीं जाके बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस और सीसीआई के एमएसपी प्राइस में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। अजय कुमार जी, एक तो एक सवाल आपसे पूछने को मन हो रहा था कि इस साल एपीएमसी का क्या रोल रहने वाला है? एपीएमसी का रोल जो है साहब, एज इट इज है, हमने रोल कोई भी हमी भाव के लिए स्पेसिफिकली, बाकी मामले में तो हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हम बाकी चीजों को तो डील नहीं करते, लेकिन हमी भाव के मामले में मैं यही कह सकता हूं कि जैसे एपीएमसी का पहले रोल था वही सेम का सेम रोल रहेगा किसान भाइयों के लिए, कुछ भी अलग नहीं है। ओके ठीक है, सेम सिस्टम से काम होगा। हम एपीएमसी के थ्रू ही कपास लेने वाले हैं, उनको एपीएमसी में ही लेके आना है, एपीएमसी ही पर्ची बनाएगा, जैसे किसान भाइयों के लिए कुछ भी मतलब है नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, ये किसान भाइयों के लिए जरूर चेंज हुआ है, हमारे लिए कोई एपीएमसी के हिसाब से कोई चेंज नहीं है। किसान भाई जहां चाहे, अगर उनको हमी भाव से ऊपर का भाव 6,500 रुपया मिलता है तो कहीं भी जाके अपना कपास बेच सकते हैं, और उनको किसी तरह का सेस, किसी भी तरह का टैक्स देने बिल्कुल किसानों से तो हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूलते हैं, लेकिन हम एपीएमसी को जरूर सेस देते हैं। इस बार भी हम सेस देंगे उनको, और उनके माध्यम से भी ही हम खरीदी करेंगे। जी जी, हाँ, बस ये कुछ बहुत सारे किसानों के सवाल मेरे मोबाइल पे आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला आपको पूछ लेता हूँ कि आप लाइव हैं अभी, वो सुन रहे हैं आपको, तो उनको क्लैरिटी मिल जाए। जी जी, तो आपने अभी कुछ सेंटर्स के बारे में बताया, और आप ये सेंटर्स कॉटन गुरु महाएपीओ फेडरेशन को दे रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार आपका। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो हम करेंगे वो आपके और किसानों के ब्रिज बन के, एक सीसीआई का एक्सटेंशन आम समझिए और एक किसानों का दोस्त समझिए, उस हैसियत से हम करने की पूरी निष्ठा से कोशिश करेंगे। तो ये थे अजय कुमार जी, जनरल मैनेजर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अकोला से जुड़े थे हमारे साथ।